हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोस में। आज की वीडियो में आप लोग के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फ्लिपकार्ट के अंदर आप लोग को प्राइजेस कैसे विन करने हैं, प्राइजेस में यहाँ पे गिफ्ट वाउचर से बात हो जाती है, यहाँ पे सुपर कॉइन की बात हो रही है और यहाँ पे आप लोग के प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, तीनों चीज़ों के बारे में बात करने वाले। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पे अगर आप लोग आते हैं फ्लिपकार्ट के प्राइजेस विन करने को लेकर, तो आप लोग को सबसे पहले बता दें यहाँ पे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है, वो सब आपके साथ शेयर करूंगा और कुछ पूरी डिटेल में बात होने वाली है। तो वीडियो को एक बार फुल वॉच कर लीजिएगा। और यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे जो वीडियो है ये सारी गेम्स पे अप्लाई होने वाली है। जितने भी फ्लिपकार्ट पे अभी गेम्स चल रहे हैं सब पे ये वीडियो अप्लाई होने वाली है, लेकिन जितने भी ओल्ड गेम है जैसे जो गेम खत्म हो चुके हैं इन सब पे ये वीडियो आप लोग ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि वो सब गेम में प्राइजेस या तो खत्म हो जाते हैं या तो प्राइजेस एकदम ना के बराबर रहते हैं 1 या 2 सुपर कॉइन, जिसमें आप लोग विन नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको बता दूं जितने भी न्यू गेम है। और यहाँ पे आप लोग को पता है अप्रॉक्स यहाँ पे 6 to 7 मिलियन लोग यहाँ पे डेली फ्लिपकार्ट वीडियो गेम खेलते हैं। तो इन लोगों में से आप लोग को आना है जिसके अंदर आप लोग प्राइजेस विन कर पाए। आप लोग कोई भी रिवॉर्ड स्टोर पर खेलते हैं तो आप लोग बताइए अगर रिवॉर्ड्स कितना है, और उन लोगों के रिवॉर्ड्स लोगों में जितने भी रिवॉर्ड है उन लोगों में से आप लोग को आना है। तो यहाँ पे आप लोग को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स अपनानी पड़ेंगी जिसके अंदर आप लोग को प्राइजेस विन होने के चांसेस इंक्रीज हो जाए। तो आप लोग को बता दें यहाँ पे सब चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो आप लोग को वाउचर विन करने में या फिर सुपर कॉइन और प्रोडक्ट विन करने में, तीनों चीज़ें अगर आप लोग कोई भी प्राइस विन करते हैं तो प्राइजेस विन करने में आप लोग को हेल्प करेगी। तो कुछ चीज़ों पर डिपेंड होता है जितने भी मेन पॉइंट्स हैं। तो ये मेन पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद आपको सब चीज़ें एक एक्सप्लेन करेंगे जिससे आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी फ्यूचर में। तो यहाँ पे अगर आप लोग ये वीडियो कभी भी देख रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि ये सभी गेम पे अप्लाई होगी। फ्यूचर में कोई नए गेम भी आते हैं ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोग उसके अंदर अप्लाई करेंगे तो आप लोग के विन होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। और आप लोग को कुछ ना कुछ तो अच्छा विन होने ही है आप लोग को कुछ रेगुलरली अगर आप लोग खेलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ मेन पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो कुछ 5 पॉइंट्स मैंने निकाले जो आप लोग अगर ध्यान देते हैं तो ये 5 पॉइंट्स अगर आप लोग अच्छे से समझ लेते हैं और अगर आप लोग अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आप लोग को प्राइजेस विन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे 5 पॉइंट्स में से फर्स्ट पॉइंट हो जाता है यहाँ पे बेस्ट टाइमिंग, सेकेंड पॉइंट हो जाते हैं प्राइस अमाउंट, थर्ड पॉइंट हो जाता है कंसिस्टेंसी, फोर्थ पॉइंट हो जाता है लक, और फिफ्थ और लास्ट पॉइंट हो जाता है एक्सपेरिमेंटल। तो यहाँ पे सभी चीज़ों की हेडिंग की तो बात कर लिए, लेकिन आप यहाँ पे सबके बारे में एक एक डिटेल में आपको बता देते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे बेस्ट टाइमिंग है, तो बेस्ट टाइमिंग के बारे में बता लेते हैं। मैक्सिमम लोगों को पता होगा यहाँ पे बेस्ट टाइमिंग्स कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को पता होगा सभी गेम्स की कुछ स्पेसिफिक टाइम रहते हैं जिस टाइम शिफ्ट में अगर आप लोग खेलते हैं तो आप लोग को यहाँ पे वाउचर विन हो जाता है या फिर आप लोग को मैक्सिमम सुपर कॉइन मिल जाते हैं, लाइक यहाँ पे 10 सुपर कॉइन, 15 सुपर कॉइन। तो ये कुछ मैक्सिमम टाइमिंग रहती है या फिर कुछ इंपॉर्टेंट और बेस्ट टाइमिंग रहती है जिसके अंदर आप लोग को प्राइजेस मिल जाते हैं अच्छे खासे। तो यहाँ पे प्राइजेस विन करने के लिए बेस्ट टाइमिंग कितना इंपॉर्टेंट है तो आपको पता लगी क्या होगा। और यहाँ पे हर गेम की कुछ ना कुछ बेस्ट और डिफरेंट टाइमिंग रहती है। अगर आप लोग को हर एक गेम की स्पेसिफिक टाइम शिफ्ट चाहिए तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मैं हर एक गेम के अंदर जितने भी अभी फ्लिपकार्ट पे चल रहे हैं उन सब पे एक एक बेस्ट टाइम शिफ्ट की वीडियो डाल दूंगा। सब कुछ एनालाइज करके बताना पड़ता है किस टाइम शिफ्ट के हिसाब से सब लोगों को कितने प्राइजेस मिले, लेकिन ये जो टाइम शिफ्ट दे रहा हूँ ये सभी गेम्स में अप्लाई होगी। अगर आप फ्यूचर में कोई गेम खेलते हैं उन पर भी ये टाइम शिफ्ट अप्लाई होगी, और अभी आप लोग कोई गेम खेल रहे हैं उन पर भी ये सभी टाइम शिफ्ट अप्लाई होगी, क्योंकि यहाँ पे टाइम शिफ्ट यहाँ पे सभी गेम्स पर अप्लाई होती है। सबको इस टाइम शिफ्ट के हिसाब से ही प्राइस मिलते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम शिफ्ट है यहाँ पे नाइट की, आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होगी, यहाँ पे नाइट में एएम चालू हो जाते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट डे की है तो 12 की है, तो यहाँ पे एएम की है और यहाँ बाकी सब भी एएम की है। तो ये सारी टाइम शिफ्ट एएम की है, आप लोग को ये बता दिया। जो लोग वीडियो सुन रहे हैं उनको पता चल गया होगा, जो लोग से वीडियो को देख के स्क्रीनशॉट लेके ट्राई करने लगते हैं तो उन लोग को यहाँ पे पता नहीं लगेगा। तो यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे आप लोग प्ले करें तो यहाँ पे 12 से लेकर 12:58 तक अगर आप लोग प्ले करते हैं गेम, इस बीच में अगर आप लोग प्ले करते हैं तो वो भी आप लोग के प्राइजेस विन होने के चांसेस रहते हैं। सेकंड टाइम शिफ्ट यहाँ पे 2:30 से लेकर 3:30 है, यहाँ पे ये नाइट की टाइम शिफ्ट, अगर आप लोग इतने बजे तक जग सकते हैं तो आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर यहाँ पे और मॉर्निंग की टाइम शिफ्ट के बारे में बात करें तो मॉर्निंग की है 5:30 से लेकर 6:30, ये 3 टाइम शिफ्ट हो जाती है। और यहाँ पे जो लास्ट टाइम शिफ्ट दी है लिमिटेड टाइम शिफ्ट है, अभी आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो ये टाइम शिफ्ट आप लोग के लिए है और आप लोग को पता ही होगा इस टाइम शिफ्ट के हिसाब से कितने लोगों को प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। और अगर आप लोग ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो ये टाइम शिफ्ट आप लोग ट्राई मत कीजिएगा, हो सकता है आपको प्राइजेस नहीं मिले, क्योंकि ये टाइम शिफ्ट अभी के हिसाब से बनी है। अभी फ्लिपकार्ट के अंदर करेंटली ऐसा रूल चल रहा है कि आप लोग को रैंडमली प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करे जा रहे हैं, तो आप लोग को कोई यहाँ पे नाइट में खेलने की जरूरत नहीं। अगर आप लोग इवनिंग में भी खेलते हैं मॉर्निंग में भी खेलते हैं तो भी आप लोग को प्राइजेस मिल रहे हैं, और मॉर्निंग में यहाँ पे इस टाइम शिफ्ट के हिसाब से सबसे ज़्यादा प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, 7 से लेकर 9:30 तक हो रहे हैं वैसे तो, लेकिन यहाँ पे 9:20 तक मैक्सिमम लोगों को मिलते हैं। तो ये टाइम शिफ्ट के हिसाब से आप लोग अभी ट्राई कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा प्राइजेस आपको इसी टाइम शिफ्ट के हिसाब से मिल रहे हैं। अगर आप लोग नाइट में नहीं खेलते तो मॉर्निंग में इस टाइम शिफ्ट के हिसाब से जरूर खेलिएगा। तो यहाँ पे टाइम शिफ्ट के बारे में बात हो गई, तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया टाइम शिफ्ट कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम शिफ्ट अगर आप लोग को पता हो तो थोड़ा परसेंटेज आप लोगों को यहाँ पे ही क्लियर हो जाता है कि आप लोग को वाउचर कैसे विन करने। तो यहाँ पे सेकंड चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं जो है यहाँ पे प्राइज अमाउंट। तो हर गेम के डिफरेंट प्राइस अमाउंट रहते हैं तो आप सभी लोगों को पता होगा, हो सकता है मैक्सिमम कुछ लोग आप लोग न्यू गेम होंगे तो न्यू गेम में सबके अंदर यही प्राइजेस रहते हैं, 1 सुपर कॉइन, 2 सुपर कॉइन, 5 सुपर कॉइन, 10 सुपर कॉइन और 15 सुपर कॉइन। ये चारों या पांचों रिवॉर्ड्स आप लोग को देखने को मिलते हैं जितने भी न्यू गेम्स रहते हैं। ओल्ड गेम्स हैं आपको कम रिवॉर्ड देखने को मिलते हैं, लेकिन ओल्ड गेम की बात नहीं, सभी न्यू गेम्स के बारे में बात हो रही है, क्योंकि वाउचर आप लोग को न्यू गेम में मिलेगा और प्राइजेस भी आप लोग को मैक्सिमम न्यू गेम में मिलते हैं यहाँ पे आप लोग को। और फ्लिपकार्ट के गिफ्ट वाउचर अगर देखें तो यहाँ पे 1,000 और 50 रुपीज़ के गिफ्ट वाउचर मैक्सिमम रहते हैं, वरना यहाँ पे 50 100 रुपीज़ के भी कुछ गेम में गिफ्ट वाउचर्स रहते हैं। तो ये सारी चीज़ों के
बारे में आपको बात करते हैं, तो फ्लिपकार्ट के अंदर इतना प्राइस अमाउंट है, आप लोगों को पता है कितनी कितनी क्वांटिटी में। मिनिमम यहाँ पे 500 विनर्स को मिलते हैं 50 रुपीज़ के गिफ्ट वाउचर, 20 विनर्स को मिलते हैं 1000 रुपीज़ के गिफ्ट वाउचर, और ऐसे यहाँ पे 15 विनर्स को 15 सुपर कॉइन वाले लोगों को मिलते हैं यहाँ पे 1K विनर्स, और यहाँ पे 10 सुपर कॉइन मिलते हैं यहाँ पे 2K विनर्स को। तो इस टाइप से यहाँ पे प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और रिमेनिंग विनर्स को यहाँ पे 5, 2 और 1 सुपर कॉइन मिल जाते हैं। इस टाइप से प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन काम करता है फ्लिपकार्ट का। तो आप लोग को पता है डेली यहाँ पे 6 से 7 मिलियन लोग खेलेंगे, आप लोग को इन लोगों में से आना है कि आप लोग प्राइजेस विन कर पाए। तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स यही है कि आप लोग को पता होना चाहिए कि किस गेम में ज़्यादा प्राइस अमाउंट है, तो उस गेम से खेलिए। यहाँ पे मैक्सिमम गेम होते हैं जिसके अंदर प्राइजेस अमाउंट सेम होता है, लेकिन अगर किसी गेम में प्राइस अमाउंट ज़्यादा है या फिर किसी गेम में कम है, तो आप लोग जिस गेम में प्राइस अमाउंट ज़्यादा है उसी गेम में हाई प्रायोरिटी रखिए, और उसी गेम में यहाँ पे आप लोग प्ले कीजिए ज़्यादातर, जिससे आप लोग के प्राइजेस विन होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। और यहाँ पे आप थर्ड चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग को। ये तो मैंने सिर्फ इस पॉइंट इसलिए समझाया ताकि आप लोग को एक बार पता लग जाए यहाँ पे प्राइस अमाउंट कितना होता है, और उस यहाँ पे डेली प्लेयर्स कितने खेलते हैं, तो इससे आप लोग को एक आइडिया लग जाएगा कि आप लोग को कितना अच्छा और स्कोर करना है, जिससे आप लोग अच्छे से अच्छा प्राइजेस विन कर पाएँ। तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स तो आपको शेयर कर ही रहा हूँ, साथ ही साथ वीडियो में आपको सब कुछ एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। तो थर्ड चीज़ आ जाती है कंसिस्टेंसी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंसिस्टेंसी आ जाती है। आप लोग को नहीं पता हो तो यहाँ पे आप लोग को कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी हो गया यहाँ पे रेगुलर आप लोग को पता लग ही गया होगा यहाँ पे, अगर आप लोग डेली खेलते हैं बिना गैप किए तो आप लोग को यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। यहाँ पे अगर आप लोग डेली डे वन खेलते हैं, डे टू खेलते हैं, डे थ्री खेलते हैं, और इन्फाइनाइट तक खेलते हैं, एंथ डे तक खेलते हैं, मतलब जब तक आप लोग खेल गेम्स चल रहे हैं तब तक आप लोग गेम खेलते रहते हैं, तो आप लोग को प्राइजेस भी मिलते रहते हैं रेगुलरली। अगर आप लोग को हो सकता है 1 मंथ तक नहीं मिला, लेकिन 1 मंथ के बाद 2 मंथ में आप लोग को एक दो बार वाउचर मिल गए, 3rd मंथ में नहीं मिला बिल्कुल भी, 4th मंथ में मिल गए, तो ये इसलिए मिलता है क्योंकि फ्लिपकार्ट खुद आपको देखता है यहाँ पे कि यहाँ पे रेगुलर इस जीए अकाउंट से रेगुलर गेम प्ले होता है यहाँ पे। ये फ्लिपकार्ट खुद ऑटोमेटिक यहाँ पे फ्लिपकार्ट नहीं देखता है, यहाँ पे ऑटोमेटिक जितने भी सर्वर्स हैं और यहाँ पे बॉट्स लगे रहते हैं सब ऑटोमेटिक यहाँ पे चेक होता रहता है। तो इससे आप लोग को एक बेनिफिट मिलता है, अगर आप लोग कंसिस्टेंसी रहो तो एक तो आप लोग को प्राइजेस ऐसे भी मिल जाएंगे, वरना अगर ऐसे नहीं भी मिलेंगे तो हो सकता है जिस दिन आप लोग नहीं खेल रहे रेगुलरली, लोग मैंने देखा बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि वो लोग जितने भी 7 दिन रहते हैं 7 दिन में से 2-3 दिन रेगुलर खेलते हैं, अगर उन्हें कुछ प्राइज़ नहीं मिलता तो 1-2 दिन छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर बाकी फिर नेक्स्ट डे से स्टार्ट करते हैं। तो इस टाइप से आप लोग मत कीजिए, हो सकता है जो 2-3 दिन आप लोग ने छोड़े, अगर आप लोग उस टाइम शिफ्ट में खेलते वो 2-3 दिन जो लोग ने आप लोगों ने छोड़ दिए तो आप लोग को प्राइजेस मिल जाते, हो सकता है उस टाइम पे आप लोग को प्राइजेस मिलना तय था। तो अगर इसलिए मैं बोलता हूँ यहाँ पे आप लोग कोई भी गैप मत कीजिए, रेगुलरली खेलिए जैसे आप लोग को प्राइजेस मिल जाए, तो इसलिए आप लोग को रेगुलर खेलना है जैसे आप लोग को मैक्सिमम लोगों को प्राइजेस मिल जाए। तो यहाँ पे 4 चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। 4 चीज़ आ जाती है लक, जो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे किसी के भी यहाँ पे डिपेंड नहीं करता, आप लोग को पता ही होगा लक सबका अपना अपना रहता है। तो यहाँ पे लक के बारे में बात बस इतनी है कि आप लोग का लक भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, तो बस मैंने आपको ये बता दिया कि आपका लक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे, कि आप लोग का अगर लक नहीं है ज़्यादा अच्छा तो आप लोग को ब्राउजर भी कैसे मिलेगा यहाँ पे। बाकी सारी चीज़ें तो यहाँ पे हम लोग परफेक्ट कर लेंगे इस वीडियो को देखने के बाद, लेकिन लक आपका सबका अपना है, तो यहाँ पे लक भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। आप लोग को पता ही होगा यहाँ पे अगर कोई प्राइज़ विन करता है तो ग्रुप में और चैनल पर भी बहुत सारे लोग बोलते हैं आप लोग बहुत लकी हैं, इस टाइप से आप लोग को कमेंट किया जाता है, तो आप लोग को इतना पता चल ही गया होगा कि लक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे चलते हैं फिफ्थ और फाइनल पॉइंट की तरफ, जो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में कंफ्यूजन रहती है कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल और यहाँ पे आप लोग इसको क्लेम रिवॉर्ड भी बोल सकते हैं। 2 पॉइंट्स मैं आपको एक ही वीडियो इसी में आप लोग को क्लियर कर दूंगा, एक ही पॉइंट में आपको 2 पॉइंट्स क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल है इसके अंदर आप लोग को ये है कि आप लोग टाइम शिफ्ट के साथ थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट कीजिए, और सीक्वेंस के साथ कि आप लोग कौन सा गेम पहले खेल रहे हैं उस सीक्वेंस को थोड़ा आप लोग चेंज कर सकते हैं कि आप लोग कौन सा गेम को पहले खेलें कौन सा बाद में खेलें। और यहाँ पे टाइम शिफ्ट के हिसाब से आप लोग जो टाइम शिफ्ट मैंने आपको दिया है आप लोग उससे 1-2 मिनट आगे पीछे थोड़ा बहुत टाइम शिफ्ट ट्राई कर सकते हैं, हो सकता है आप लोग 1-2 मिनट आगे पीछे जो टाइम शिफ्ट ट्राई करें उस टाइम शिफ्ट के हिसाब से आप लोग को प्राइजेस मिल जाए। और आप लोग को क्लेम प्राइस यहाँ पे क्लेम प्राइस जो या फिर क्लेम रिवॉर्ड बोल सकते हैं आप लोग कि आप लोग को रिवॉर्ड कैसे क्लेम करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रिवॉर्ड कैसे क्लेम करें कि आप लोग रिवॉर्ड गेम आप लोग पहले प्ले कर लें और रिवॉर्ड आप लोग नाइट में क्लेम करें या 2 बजे क्लेम करें सुबह मॉर्निंग में क्लेम करें। तो यहाँ पे आप लोग जो क्लेम करना है ना, यहाँ पे क्लेम आप लोग को जितना फास्ट हो सके, आप लोग जब गेम खेल रहे हैं जैसे ही आप लोग ने गेम खेला आप लोग के आंसर कंप्लीट हो गया, आप लोग बैक करके यहाँ पे आप लोग रिवॉर्ड मैक्सिमम जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप लोग को रिवॉर्ड क्लेम करना है, जिससे आप लोग के प्राइज विन होने के चांसेस है ना इंक्रीज हो जाते हैं। आप लोग लेट कर देते हो तो हो सकता है आप लोग को गिफ्ट वाउचर नहीं मिल पाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्लेम प्राइस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे सारी चीज़ों के बारे में बात हो गई, तो यहाँ पे इतना तो आप लोग को क्लियर हो ही गया होगा, इतना तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग ये वीडियो फुल अच्छे से आपने वॉच की तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया कि यहाँ पे प्राइजेस कितने होते हैं, आप लोग को विन कैसे करना है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स यही है कि आप लोग को अच्छे टाइम शिफ्ट के हिसाब से खेलना है आप लोग को, और यहाँ पे आप लोग को सीक्वेंस थोड़ा बना के चलना है। यहाँ पे एक बार समराइज कर देते हैं कि आप लोग का लक भी डिपेंड करता है और आप लोग को कंसिस्टेंसी बना के रखना है, मेंटेन रखना है, आप लोग को रेगुलर खेलना है, हो सके तो जितना गैप ना हो सके उतना गैप आप लोग को नहीं करना। और आप लोग को सब चीज़ें आप लोग को एक डिटेल में बता दिया मैंने कि इतनी सारी चीज़ें डिपेंड करती है और आप लोग को कैसे विन होना है। अब कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पे उनको 2 सुपर कॉइन मिल रहे हैं, अगर आप लोग वीडियो अभी देख रहे हैं
और अभी करेंटली आप लोग को 2 सुपर कॉइन मिल रहे हैं, तो ये फ्लिपकार्ट का ग्लिच चल रहा है। कुछ गेमों में आप लोग को 2 सुपर कॉइन इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे रैंडमली प्राइस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो यहाँ पे सिस्टम अच्छे से समझ नहीं पा रहा है फ्लिपकार्ट का। तो यहाँ पे वो सबको 2 सुपर कॉइन दे दे रहा है, और जो मॉर्निंग में खेलते हैं उन्हें कुछ अच्छे प्राइजेस मिल जाते हैं, गिफ्ट वाउचर वगैरह। तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट की भी प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए जो 2 सुपर कॉइन जिन्हें मिल रहा है प्राइस वाली पार्ट चला, और लेडीज ऐसे जेंटलमैन में तो अभी यहाँ पे वो ओल्ड गेम है इसलिए उसमें आपको 2 सुपर कॉइन ही मिलेंगे, और प्राइस वाली पार्ट चला के ये है कि आप लोग को 2 सुपर कॉइन फ्लिपकार्ट के इशू की वजह से मिल रहा है। तो यहाँ पे ये सारी वीडियो देखने के बाद आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि आप लोग को प्राइजेस कैसे विन करने। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बस यही था वीडियो, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।